जो जो पूछ रहे हैं हम बताना तुम लोग। सबसे पहला एक क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछ रहे हैं कि एरिया वाइज ठीक है, एरिया वाइज जिसका नाम लेंगे वो आंसर देगा पहले। एरिया वाइज इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट हम बोले थे ना, जिसका नाम लेंगे वो पहले। हाँ तो इंडिया स्मॉलेस्ट, हाँ इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, गोवा। अब आगे से ध्यान रखना है, नोट करते जाओ, याद है तब भी नोट करते जाओ ठीक है। हाँ दूसरा है सेम यही क्वेश्चन। अच्छा एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट, पिछला क्वेश्चन का आंसर हार्दिक दिया है, इस बार इस क्वेश्चन का आंसर राघव देगा, बताओ लार्जेस्ट स्टेट। राजस्थान। गुड, दोनों लोग अच्छा अच्छा जवाब दियो, लेकिन फिर भी नोट करना है राजस्थान, राजस्थान। अच्छा अब हार्दिक की बारी है, ये हार्दिक जवाब देगा। पॉपुलेशन वाइज इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है। योगी आदित्यनाथ। अच्छा सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और कैपिटल कहाँ है। एक एक करके एक बार एक आंसर दे दिया तो उसके बाद अगला आंसर देगा ठीक है, नहीं झगड़ा तुम लोग करोगे, पहले वो क्यों बताया। और कैपिटल क्या है यूपी की, बोलो। अच्छा ठीक है, तो हम इसमें हम ना स्क्रीन शेयर कर देंगे ना बाद में वो ठीक है, जितना हो जा रहा है साथ में लिखते जाओ। अच्छा अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया का कोई स्टेट जिसमें लिटरेचर लेट मतलब सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। दिल्ली स्टेट नहीं है, अच्छा स्पीड नहीं है। स्टेशन लेट हेलो केरला। लखनऊ। सही जवाब केरला है, सही जवाब केरला। लखनऊ तो तुम्हारा कैपिटल हो गया ना, हम स्टेट पूछे थे ना, केरला। इस थोड़ी केरला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे रहते हैं, केरला में। अच्छा एक और क्वेश्चन, इसका आंसर दोनों को नहीं पता होगा। पॉपुलेशन वाइज इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है। सिक्किम। इंडिया, वेरी गुड, अरे यार कंपटीशन कोई बात नहीं, हम बोले ना कंपटीशन नहीं होना यहाँ पे ठीक ठीक है। है। सिक्किम ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, तुम लोग नोट करोगे ठीक है। भारत भारत की सबसे लंबी टनल कौन सी है, इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल। इंडिया, नहीं, लॉन्गेस्ट टनल बताओ। अच्छा आंसर, चलो मुझे पता है। इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल बताओ, किसको पता है, जो जिसको अच्छा पता है वो मुझे पहले आप बोला करेगा कि हाँ मुझे पता है, बताओ। अच्छा टनल, टनल दूसरी चीज होती है। वेरी गुड, अटल टनल, 9 किलोमीटर। अटल टनल मतलब तुम पहले से एक बार पढ़े हुए, बुक अगर साथ में रख के देख रहे हो तो नहीं बुक बुक साइड कर दीजिए भैया, बुक साइड कर दीजिए, नहीं तो फिर इस तरह से याद नहीं होगा, बुक बंद कर। मैंने याद किया था, ये पहला चैप्टर मैंने। और ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे है, जोग फॉल्स हाईएस्ट वाटर फॉल। हाँ
वैसे तो तुम सही बता रहे हो जोग फॉल, लेकिन इसमें जो बुक में दिया हुआ है ना उसमें दूसरा दिया। जोग फॉल बताओ कहाँ है, जोग फॉल कहाँ पे है? जो कर्नाटका में है, लेकिन एक अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो दूसरा एक इसमें दिया हुआ है वो कर्नाटका का ही, वो याद रखना ठीक है। कुचिकल, क्या नाम है? कुचिकल। हाँ उस कहीं कहीं पे जी ये दिया रहता है, कहीं कहीं पे ये दिया रहता है कुचिकल। ये शिमोगा कर्नाटका में ये भी है, शिमोगा कर्नाटका में ठीक है। दोनों दोनों लिख लो और ऑप्शन के हिसाब से सही करना तुम लोग। सुनो नहीं रहेगा ऐसा, ऐसा बेवकूफी नहीं किया जाता है ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर हार रागो तुम देना। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित, हाइट पर स्थित एयरपोर्ट कौन सा है? इंडिया, इन इंडिया एयरपोर्ट उस हाइट कौन सा है? नहीं पता मुझे। हार्दिक अब तुम बताओ, तुम बताओ। लद्दाख की मुझे नहीं कैपिटल लेह पता। में, लद्दाख कैपिटल लेह में। ये हम तुमको पहले राघव पढ़ाए थे, लद्दाख की कैपिटल लेह में है, समझ गए? क्लियर हुआ? एयरपोर्ट का नाम हमको नहीं पता है, जो बता रहे हैं वो याद करो। नोट हो गया यहाँ तक सबका? हाँ नहीं रुक। जल्दी जल्दी ठीक है। जल्दी नोट करो। नहीं नोट अलग से करना है क्योंकि हम सारा बुक के हिसाब से नहीं करा रहे हैं ना, जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से करा रहे हैं। बुक में तो बहुत कुछ है। ठीक है जो भी है अभी हम बता रहे हैं, नोट करो। जल्दी करो भाई तुम लोग। हाँ जल्दी जल्दी करो। हाँ जल्दी जल्दी करिए। बहुत अच्छा की हो, बहुत अच्छा, पूरा जो कर लो। हो गया? हाँ अरे कहाँ, और मेरा भी लास्ट कार्ड है। जल्दी करो भाई जल्दी करो। एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर तो दोनों को पता होगा। बताओ भारत पूछो, पूछें हाँ स्पीड बढ़ाइए तुम सब। तुम्हें समझ में आ जाए बस तुम्हें पढ़ना है। अच्छा हो गया हार्दिक तुम्हारा भी? देखो अगला क्वेश्चन तो दोनों को पता होगा। इंडिया का बिजीएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? इंडिया का बिजीएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है बताओ। वेरी गुड, दिल्ली एयरपोर्ट। राघव तुम बताओ दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है? दिल्ली जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास, तुरंत बताओ। आता है तो बताओ, नहीं आता तो नहीं बताओ, बोलो नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट।
हाँ सही है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मम्मा पापा ना राघव हाँ इधर उधर की बातें नहीं करो। इधर उधर की बातें करना है तो वीडियो छोड़ दो, मत करो। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताओ, ये बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? इंडिया फर्स्ट, हार्दिक बताएगा पहले। हार्दिक, हम जिसका नाम ले, हम जब नाम पूछेंगे उसके हिसाब से बताना है, झगड़ा या नहीं होना है। नहीं, म्यूट कर देंगे दोनों को, दोनों को म्यूट कर देंगे। इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट बताओ हार्दिक। एक इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? ध्यान नहीं आ रहा है, तुम बताओ। मैं बताऊं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुड, तुम पहले बताए तो थे जी अभी ना, थोड़ी देर पहले तो तुम हमको बोले थे। अभी हाँ तो क्यों क्यों बोले नहीं नहीं आता? हार्दिक बोला तो था फर्स्ट प्रेसिडेंट। हम हार्दिक से बात, अब हम म्यूट कर रहे हैं, हम खाली लिखेंगे और तुम लोग सुनो, बोलेंगे तुम लोग सुनोगे, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। अब म्यूट कर दे रहे हम दोनों को, केवल सुनोगे तुम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था? इसका आंसर हम बता देंगे, अब हम सब हम बताएंगे, तुम लोग डिस्कस, तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो। इंडिया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? पहले प्रेसिडेंट होते हैं और एक उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कृष्णन कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन, हाँ ठीक है। और एक चीज और याद कर लो तुम लोग यहीं पे, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है वही क्या होता है, राज्यसभा का, राज्यसभा का स्पीकर या प्रेसिडेंट जो भी कह लो, राज्यसभा स्पीकर। किसका चैट आया है? राज्यसभा का स्पीकर या चेयरमैन जो भी कह लो, ठीक है। हम फिर से अनम्यूट कर रहे हैं, लेकिन अब कोई बहस नहीं करेगा और कोई उठपटांग बात नहीं करेगा फिर से। क्या चीज? वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, कोई टेबल वर्क में जरूरत नहीं है, जो हम लिख रहे हैं बस उसको याद कर दो, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये दोनों को नहीं पता होगा। इंडिया फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर, नहीं बेवकूफ, फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री। बेवकूफ हो, लाल बहादुर शास्त्री कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? वाइस मतलब हुआ प्राइम, एक होता है प्राइम मिनिस्टर, उसी के साथ साथ में सेकेंड नंबर, उसके जस्ट बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर, समझ गए, साथ में होते हैं। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार हाँ वल्लभ भाई पटेल। चलो ये थोड़ा सा तुम लोग का कुछ बुक की चीज़ें होती, ठीक है। अब कुछ हम
अलग चीजें तुम लोगों से पूछेंगे और तुम लोग को अब आंसर देना होगा। इसको नोट कर लिए तुम लोग? नहीं रुक जाओ, जल्दी नोट करो। हाँ अभी 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 शांत रहो, हम सब करा देंगे, ठीक है? और हाँ अभी जो हम बोल रहे हैं बस उसको तुम करो। हो गया? नहीं रुक जाओ। इतना टाइम आप लोग लगाओगे? रागवी बिस्तर पे बैठो, बैठ के करो, जल्दी जल्दी करो भाई। बच्चों तुम लोग क्या ओलंपियाड ओलंपियाड देने बैठे हो, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन तुम लोग को नहीं आता है। इसको हम डाल देंगे यूट्यूब पे, उसमें से फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसीलिए कुछ ऊट पटांग मत बोलो तुम लोग, समझ गए? और इसीलिए झगड़ा भी मत करो, नहीं तुम लोग का झगड़ा भी यूट्यूब। हाँ इसका नाम चैनल का नाम तो नहीं, PREPLEARN। हो गया नोट? सर वल्लभ भाई पटेल। अच्छा एक बात बताओ, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, हाँ हिंदी में लौह पुरुष और इंग्लिश में आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन जो बात हो रही है उस पर स्टिक करो बेटा। और एक बात बताओ, हाँ? इंडिया का, हार्दिक तुम बताना, इंडिया का या वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेचू कौन सा है? हाँ इन्हीं का है, लेकिन कहाँ, कौन सा है, नाम बताओ। चलो तुम बताओ। अच्छा स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है बताओ, कौन से स्टेट में? गुजरात पे है, गुजरात में। इसको भी नोट कर लो। तुम लोग को नहीं देख रहे हैं क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया और स्टेचू ऑफ यूनिटी नहीं की है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेचू है, लॉन्ग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेचू। क्या ओके चलो अब हम, अब तुम लोग नोट किए चाहे ना किए, बाद में यूट्यूब से अपना नोट कर लेना, ठीक है? हाँ अब अगला क्वेश्चन हम साथ में, हम ऑप्शन के साथ पूछेंगे और आंसर बताना है। और क्वेश्चन है क्या, हु वाज दी फाउंडर ऑफ, हु वाज दी फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? ये मुझे पता है। हु वाज दी फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी, जो बोलेगा मैं बताऊं उसको बताने का मौका नहीं मिलेगा, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी पोरस। हार्दिक तुम्हारा नंबर है बताओ, वो बोल दिया मैं बताऊं उसका नंबर पहले चला गया। हाँ ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चलो तुम्हारा आंसर क्या है राघव? मेरा भी वही है, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य। और अब देखो यहीं पे, चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है, वो कौन था, उसका फाउंडर था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बाकूफ कहीं का बाबर, वो बाबर मुगल डायनेस्टी का वो था। अब शांत रहो तुम लोग, नहीं पता तो बोला करो, नहीं पता कोई तुक्का नहीं मारेगा बेवकूफ वाला। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, का बेटा था अशोका, कौन था अशोका,
और अशोका क्या कर ने लड़ा था, कलिंगा वॉर। कौन सा वॉर? कलिंगा, कलिंगा। कलिंगा वॉर। और कलिंग वॉर के बाद अशोका ने क्या कौन सा रिलीजन अपना लिया था? बुद्धिज्म। कौन सा रिलीजन अपना लिया था? बुद्धिज्म। ठीक है, तो फाउंडर कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन और अशोका कौन था? मौर्यन डायनेस्टी का सबसे फेमस फाउंडर था। ठीक है, और अशोका ने कई सारे स्तूप बनवाए हैं। क्या किए हैं? कई सारे स्तूपास बिल्ड किए हैं उसने। स्तूपा क्या होते हैं? बुद्धिज्म रिलीजन के जो एक तरीके से जैसे हम लोग में क्या होता है, मंदिर होते हैं, टेम्पल होता है, वैसे बुद्धिज्म में क्या होते हैं? स्तूपाज होते हैं। उसी में से एक फेमस स्तूप है सांची का स्तूप। सांची कहाँ है? एमपी में है। किसने बनवाया है? अशोक और एक और शायद भोपाल में है क्या? शायद वो भी उसी ने बनवाया है। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी हम पहले ही आंसर बता दिए हैं, अब तुम लोग खुद ही बता। सांची स्तूपा, सांची स्तूपा, इसका आंसर तो हम पहले ही बता दिए। इन मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश वॉज बिल्ट बाई, का हाँ, इसका आंसर तो हम पहले ही समझाते समय ही बता दिए। अगला क्वेश्चन ही यही था, देख लिए होते क्वेश्चन तो हम ना पूछते। आंसर इसका हो गया डायरेक्ट। अच्छा, अशोका। ठीक है, तुम लोग ऑप्शन मत लिखना, केवल आंसर लिखना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, हु वॉज दी फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी? ऑप्शंस तुम लोग को हम दे रहे हैं। ऑप्शन ऑप्शन देखिए बता चल। ऑप्शन देख के तुम ये पर नाम ज्यादा नूरजहां। ऑप्शन ए है नूरजहां, ऑप्शन बी है मुमताज महल, ऑप्शन बी है मुमताज महल, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। हार्दिक आंसर बताओ। राघव नन ऑफ द एबव तुम्हारा। राघव, तुम्हारा आंसर क्या है? तुक्का है वो तुम्हारा सही। हार्दिक का तुक्का हुआ गलत, है। हार्दिक का तुक्का हुआ गलत। सही वो आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया फंस गई गुंडों में। रजिया सुल्तान सही आंसर। दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमेन रूलर थी ये। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमेन रूलर थी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी हम इसका थोड़ी देर पहले हम आंसर बोले थे, हु वॉज दी फाउंडर ऑफ मुगल हु वॉज दी फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, हु वॉज दी पिछली हाँ तुम बताना आंसर इस बार। हु वॉज दी फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इसका आंसर हार्दिक देगा। ऑप्शन लिखें। ऑप्शन चलो तुम्हारा, जहांगीर, जहांगीर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बीरबल। बताओ। ऑप्शन बी ऑप्शन डी बीरबल, बी वही तो कह रहे हैं डी बीरबल ना। बाबर, बाबर, बी और डी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाबर कौन था? मुगल एम्पायर का फाउंडर था। ठीक है, यहाँ पे अटैक करके आया था और क्या हुआ था? 10 मिनट में ये मीटिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद आज की क्लास ओवर हो जाएगी। आगे कल हम लोग सुबह करेंगे 10 बजे फिर। ठीक है, हाँ। अब देखो, बाबर का बेटा कौन था? बाबर का बेटा था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का बेटा था अकबर।
अकबर का बेटा शाहजहां। ठीक है, नोट कर लो, तुम लोग ये भूल जाते हो। शाहजहां ने ही क्या बनवाया है? आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल कौन बनवाया है? शाहजहां। लेकिन आगरा का पागल खाना कौन बनवाया है? हार्दिक। ठीक है, शाहजहां कौन बनवाया है? आगरा का क्या बनवाया है? ताजमहल। उधर जाओ, थोड़ा सा नीचे करेंगे। नीचे नहीं होगा, हम यहाँ यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं। जाओ मम्मी, इस पेन। बाबर, और हुमायूं के बाद में हुमायूं, अकबर। अकबर के बाद शाहजहां। ठीक है, अकबर के बाद शाहजहां, समझ गए? और शाहजहां ही क्या बनवाया है? आगरा का ताजमहल। और एक चीज बनवाया है फेमस, बताओ को क्या चीज है? कुतुब मीनार। नहीं, कुतुब मीनार दो लोग मिलकर बनवाया, इसमें मेन नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का है, उसी के नाम पे कुतुब मीनार है। शाहजहां, सेकंड, मुझे जहां पे रेड फोर्ट पे क्या होता है, झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को, तो रेड फोर्ट भी कौन बनवाया है? शाहजहां। हाँ, और रेड फोर्ट के सामने एक जामा मस्जिद है, उसको भी कौन बनवाया है? समझ गए? बाबर, बाबर हुमायूं, हुमायूं हुमायूं कुछ नहीं बनवाए हैं। ठीक है, और हुमायूं, हुमायूं क्या था? ये कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए बता दे रहे हैं। हुमायूं एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी से गिर उतर रहा था, उतरते उतरते सीढ़ी पर से उसका पैर फिसल गया, टुक 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 करके नीचे आ गिरा और मर गया। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो कौन सा राजा था, शासक था, रूलर था, जो अपनी लाइफ में हमेशा गिरता रहा और गिर के मर भी गया, तो वो कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। 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 ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर? मराठा एम्पायर का फाउंडर कौन था? ये तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे सकते हो? दे देंगे, फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, आई कैन टेल दैट। तो आंसर बता दो, तब जल्दी बताओ। हाँ, आंसर शिवाजी महाराज। टाइम अभी नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं देंगे, आंसर लिख लो, शिवाजी महाराज। ठीक शिवाजी महाराज, है, मॉर्निंग क्लास में डाउनलोड ठीक है? ठीक है। ओके, अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन का आंसर बताऊं। विच ग्रेट किंग फॉट अ वॉर अगेंस्ट कलिंगा? विच, अशोका। वेरी गुड, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे तुम लोग को। ग्रेट किंग फॉट द वॉर ऑफ कलिंगा, आंसर क्या होगा? अशोक। आंसर क्या हुआ? अशोका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों से पूछेंगे। अगला क्वेश्चन, एक बहुत फेमस वोमेन रूलर थे, अ फेमस वोमेन रूलर, फेमस वोमेन रूलर थी। ठीक है, उस फेमस वोमेन रूलर का नेम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्ण। हाँ, उसका नाम हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बताओ? नाना साहेब, नाना साहेब। हाँ, रानी लक्ष्मी बाई। दोनों लोग आंसर दे दिए तो ऑप्शन नहीं देंगे अब हम। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी भी सही है, रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन नाम रानी लक्ष्मीबाई होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब अच्छा एक बात बताओ, कौन फ्रीडम फाइटर ऐसा था जिसको नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? ठीक है, विच फ्रीडम फाइटर फाइटर इज ऑल्सो नोन एज
नोन एज। हाँ तो हम कहे ना कि कोई शांत रहो तुम लोग, नहीं बंद कर देंगे, कोई बकवास नहीं हो। फिर से लिख रहे हैं क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज। अरे तुम लोग किसी को कुछ बोलना हो तो अपना पहले म्यूट किया करो। नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए कमला नेहरू, कमला नेहरू, कमला नेहरू कौन थी? नहीं पता। उनकी बहन थी। पहले प्रधानमंत्री कौन थे अपने? की बहन थी कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी कौन थी? गांधी जी की सरदर्द। तीसरी कौन? एनी बेसेंट, ठीक है। डी ऑप्शन डी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। सर सही और जवाब क्या होगा हार्दिक? राघव सरोजनी नायडू बताया, तुम्हारा जवाब क्या है? सरोजनी नायडू। दोनों लोग का तुक्का सही है। अच्छा ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन कौन फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव, हु गेव सेप्ट ऑफ, Who gave concept of स्वराज? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तुम्हारा जवाब क्या है हार्दिक? जल्दी बोलो। ऑप्शन सी बाल गंगाधर। सही जवाब, सही जवाब। अब तुम लोग का एक होमवर्क है, होमवर्क होमवर्क। एक फेमस नाम है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। हेलो चलो अच्छा हम विपिन चंद्र पाल, विपिन, ठीक है चलो हम ही लिख दिए। चलो ये होमवर्क कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन है तुम लोग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होमवर्क तुम लोग का है, कल हम सबसे पहले यही पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। हु इज ऑल्सो नोन एज, हु इज ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी। इसका कल बताना है। एंड और साथ में एक और इनको बोला जाता था लायन ऑफ पंजाब। ऑप्शन दे दे रहे हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हो चुका है जवाहरलाल नेहरू।